मैडम ने यहाँ पे अभी गिनतियाँ सिखाई और उसके आगे मैं पढ़ती हूँ। तो सभी को खेल खेलना पसंद है और जब बच्चे खेल खेलते हैं तो आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और जो हमारा लर्निंग आउटकम है वह भी बच्चे अच्छे से जान सकते हैं। तो मैं मैम से कहूँगी कि वो यहाँ पर एज अ मतलब बच्चा बन के आए और मेरे साथ इस गेम में पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे गेम है, ये यहाँ पे सीखना है। जो बच्चे गाँव के होते हैं वो रुपयों पैसों को अच्छे से जान लेते हैं और यहाँ पे 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के हैं। अब ये देखिए ये गेम है, इसमें हमने घड़ी बनाई हुई है और इसमें घड़ी की तरह पूरे 12 अंक हैं तो बच्चे इसे अंक भी सीख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, बच्चे जब हमारी गिनती सीख लेंगे तो उनके लर्निंग आउटकम को और अच्छा करने के लिए हम उनको एक गेम खिलाएंगे। उनसे बोलेंगे बच्चे इसमें यहाँ पे सीखे हैं, अब आपको 1 की जगह पे 1 बनाना है, 2 के जिसमें सिक्के आप 2 ले रहे हैं, चाहे आप उसमें 2 का सिक्का भी रख सकते हो या 1-1 के आप 2 सिक्के भी रख सकते हो। इसी तरह 3, 4, 5 में आपको मतलब ये सिक्कों से ही बनाना है। जैसे आप यहाँ पे 11 है तो आप इसमें 25 का भी यूज कर सकते हो या 5-5 के 2 या 1 ले लो या 2-2 के 5 ले लो, मतलब कितने भी जो आपके मन में आए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। शुरू शुरू में हम इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, बाद में हम इसको टाइम आउट भी कर सकते हैं कि आप 1 मिनट में इसमें करके दिखाओ, 1 मिनट गेम। इसी तरह से मैं और भी बहुत गेम होते हैं बच्चों को उसी से कराती रहती हूँ। तो मैं मैम से कहूँगी कि मैम आप इसमें करके देखिए, इसको पूरा बनाना है। जैसे कि हम अगर टाइम लगा लेंगे तो हम टाइम के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि कौन कितनी जल्दी बच्चा कर रहा है। मैम आप लोग बैठ जाएंगे, तो हम साथ में बाद में चेक भी कर लेंगे कि बच्चे ने किस तरह से, इसमें बच्चे हमारे रुपए पैसे की अवधारणा, संख्याओं का ज्ञान, जोड़ है, घटाव है, किस तरह से हमें संख्याओं को कम की भर्ती करना है, एक ही गेम में हम इसमें काफी सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं और बच्चे को भी बहुत मजा आएगा कि अरे बाद में हमसे पूछ सकते हैं किसका सिक्का है, ये क्या है, यहाँ पे कितने बनाए थे, कैसे किए थे। तो बच्चे जब इस गेम को खेलते हैं ना तो उन्हें बहुत मजा आता है।